फैक्ट नंबर एक, इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था। 18वें ओवर में फ्लिंटऑफ को युवराज सिंह ने दो छक्के जड़े। फ्लिंटऑफ से रहा नहीं गया, उसने युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कह डाले। इसके बाद युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। अगला ओवर फेंकने आ रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को यह अंदाजा भी नहीं था कि फ्लिंटऑफ की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या था, स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना डाला और 12 ही गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत ने वो मैच भी जीता। गाइज, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि युवराज सिंह ने अपना पूरा गुस्सा परफॉर्मेंस करके निकाला। आप लोग याद रखिए कि आपकी सक्सेस ही विरोधियों के लिए जवाब है। फैक्ट नंबर दो, विराट कोहली बेस्ट है। अरे रहने दे, बाबर बेस्ट है। अरे विराट कोहली बेस्ट है। गाइज, आजकल इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट गलियारों में ये बहस बढ़ती चली जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। बाबर आजम ने अब तक कुल मिला के 220 मैच खेले जिसमें उन्होंने 26 शतक लगाए। वहीं विराट कोहली ने 468 मैच खेले जिसमें उन्होंने 71 शतक लगा दिए। मतलब कि विराट कोहली ने बाबर आजम से लगभग 2.5 गुना ज्यादा मैच खेले हैं और 2.5 गुना ज्यादा ही शतक मारे। वहीं बाबर आजम ने हर 8 मैच में एक सेंचुरी मारी है लेकिन किंग कोहली ने हर 6 मैच में एक सेंचुरी मारी है। इतना नहीं, बाबर आजम का सिर्फ एक फॉर्मेट में 50 से ज्यादा का औसत है लेकिन विराट कोहली का तीनों फॉर्मेट में 50 से ज्यादा का औसत है। और इसीलिए क्रिकेट गुरुओं और बाबर आजम के फैंस के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बुरा मानने वाली बात है लेकिन विराट कोहली बाबर आजम का बाप है।